हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और क्लास इलेवेंथ का एक अरेंजमेंट लेक्चर है। तो इसमें हम क्लास इलेवेंथ में आपके मैथ्स के टीचर, वैसे तो ये बायो की क्लास है बट मैथ्स में जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे, हमें उससे कुछ अलग, कुछ छोटा टॉपिक लेके चलते हैं जो आपके आगे काम भी आएगा। तो चलिए हम टॉपिक लेके चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स क्या था? क्लास टेंथ में भी आपने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, उसको हम कवर करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला, अगर मान लेते हैं जैसे कि ये कोई कार्टेशियन प्लेन है और ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो लाइन है P और Q, ये कोऑर्डिनेट है X1 Y1 और ये कोऑर्डिनेट है X2 Y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालते हैं? अगर मैं डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हमें निकालना है, ठीक है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब यानी कि पी क्यू मेरे को अगर निकालना है तो पी क्यू क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आपको क्या होता था? X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। हालांकि आप यहाँ पे X1 माइनस X2 भी लिख सकते हैं एंड Y1 माइनस Y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होके कुछ नंबर पॉजिटिव हो जाना है तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। X1 माइनस X2 भी लिख सकते हो, बट मैं X2 माइनस X1 प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर यहाँ पे जो है, ये एक डिस्टेंस फॉर्मूले का एक फॉर्मूला बन जाता है। क्लास टेंथ में भी आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूले के नाम से। ठीक है, तो वही चीज है। फिर ये हो गया, फिर हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। इसको लिख लें पहले, फिर सेक्शन फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरा आपका सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा समझ भी लेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12th में पढ़ा है, बट थोड़ा रिपीट करा लूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, समझते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिवाइडिंग द डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, ऐसे लाइन सेगमेंट को जो दो पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स X1 Y1 एंड X2 Y2 इन द रेशियो M1:M2। ठीक है, M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो जैसे कि अगेन यहाँ पे मैं कोई लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये ले लिया पॉइंट P, ये ले लिया पॉइंट Q, इसके पॉइंट है X1 Y1 और इसके मान लिया हमने X2 एंड Y2। ठीक है, थोड़ा जगह नहीं बचेगी इसमें। दिस इज पी, दिस इज क्यू, X1 Y1 इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट X2 Y2। भाई ये लाइन कहीं ना कहीं किसी कार्टेशियन प्लेन में तो होगी ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। फिर इसको एक लाइन काट रही है, पॉइंट, इस पॉइंट से इसको काटा जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से इसको काटा जा रहा है, ये पॉइंट का नाम जो है ये आर है और आर इसको, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? M1:M2 के रेशियो, M1:M2 के रेशियो में इनको डिवाइड कर रहा है, M1:M2। और जो आर के कोऑर्डिनेट्स हैं हम एक्स और वाई ले रहे हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहे हैं? एक्स और वाई हम आर के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये दो लाइन है पी और क्यू, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक लाइन आर जो है, एक पॉइंट आर, सॉरी, ये पॉइंट आर जो है जिसका एक्स वाई इस लाइन को क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर अगर मैं निकालना चाहूं कल के दिन, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर यहां निकालने के लिए बोला जाए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर यानी कि एक्स वाई हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए आर एक्स निकाला जाएगा एम वन एक्स टू या फिर एम टू एक्स वन भी बोल सकते हैं, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये तो आ गया आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, वैसे ही सेम आ जाएगा वाई भी ऐसे ही आएगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन प्लस एम टू, ठीक है। इस तरीके से हमारे r के x, ये x निकलेगा ये y देगा, ठीक है। ये क्या देगा आपको, ये आपको यहाँ पे x लेके देगा और ये आपको यहाँ पे y लेके देगा, क्लियर। कॉपी कर लेंगे। अब हम आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, सेम यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यह है कि अगर कोई लाइन है, अगेन ये लाइन आप मान लो P और Q है और ये बीच में R कोई लाइन है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो अगर इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है सेम है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, और ये मिड पॉइंट मतलब वन इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। तो वन इज टू वन के जब रेशियो में डिवाइड करेगा तो आप जब यहाँ M1 और M2 की जगह 1 डालोगे तो x, ये तो x टू x1 सेम हो जाएगा, है ना, और 1 प्लस 1 नीचे 2 हो जाएगा। तो हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमारा बनता है, यानी कि जो r के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे, आप सिंपल करके भी देख लेना बट डायरेक्ट याद रखोगे, तो r के फॉर्मूले x निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन, ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है। कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी यहां मेरे पास है, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1, ये मान लिया x2 y2 x3 y3, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो और केवल मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हो, मेरे को ये नहीं पता कि साइड कितनी है, तो बहुत इजी है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो आपने पढ़ा ही, एरिया इक्वल्स टू हाफ। अब यहाँ पे क्या होता है, बेस हाइट नहीं होता, यहाँ पे कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो जाते हैं x1, x1 के बाद क्या आता है 1, के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1, फिर है प्लस x3, x3 के बाद क्या आएगा, वापस रिपीट 1 हो जाएगा 1 माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। लिखने के लिए लंबा है बट याद करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, कि ट्रायंगल के एरिया कभी निकालने हो, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको साइड्स गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि 5 सेंटीमीटर, जैसे आपके केवल कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और कोऑर्डिनेट की मदद से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकालते हैं, क्लियर। कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसमें है स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई लाइन है उसका स्लोप, जैसे कि अब हमारे पास क्या है, ये लाइन है यहाँ पे, इसका मुझे, या फिर ये लाइन जा रही है, इसका मुझे स्लोप बता, ठीक है, कि सर इसका स्लोप क्या है, यानी ये कितना ये लाइन है। तो जो भी स्लोप होता है आपने पढ़ा होगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी कि स्लोप का इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यानी कि मैं यहां से देखूंगा कि कितने थीटा पे ये खड़ी है लाइन, है ना। तो आपने पढ़ा होगा स्लोप ऑफ लाइन में, स्लोप ऑफ लाइन को किससे डिनोट करते हैं, एम से, ठीक है, तो m इक्वल्स टू, आपने टेन थीटा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, m इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, ये हमारा स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब ये क्या है, थीटा इंक्लिनेशन है भाई, कितने उसमें है, ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस आप और लिख लो,
व्हेन जब थीटा आपका जीरो और थीटा बराबर 180 होगा, ठीक है, जब भी हमारा थीटा जीरो होगा और 180 होगा, देन इट लाइज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन पैरेलल टू एक्स, क्योंकि थीटा क्या हो जाता है उसको जीरो, जीरो होगा तो स्लोप ऑफ लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ऐसे हो जाएगी, है ना, तो यानी किसके पैरेलल चलेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, फिर आपका दूसरा क्या है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, फिर व्हेन थीटा लाइज बिटवीन कैसे ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, इनके बीच में होगा, देन स्लोप इज पॉजिटिव, देन स्लोप आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, फिर व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, देन यानी देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, भाई 90 डिग्री होगा अगर, तो 90 डिग्री से बनेगा ना ये लाइन, अगर 90 डिग्री हुई है तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, अब इसका ये कितना खड़ा है स्लोप, इसका ढाल है ही नहीं, ये कितनी झुकी हुई है भाई, स्लोप मतलब कितना झुका हुआ है, इसमें झुका हुआ तो बिल्कुल सीधा है, लाइन सीधी है ना, तो इसमें क्या होगा, नॉट डिफाइंड, और वैसे भी टेन थीटा क्या होता है, टेन 90 आपका क्या होता है, नॉट डिफाइंड ही तो होता है, ठीक है, देन 10 90 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, ठीक है, फिर आ जाएंगे और इसमें कंडीशन आप देखो, हाँ व्हेन थीटा आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, व्हेन थीटा इज lies between, यानी कि थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा बट लेस देन 180 डिग्री होगा, यानी ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, देन स्लोप इज नेगेटिव, देन स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा जीरो होगा, यानी एक्स एक्सिस पे जो स्लोप बनेगा वो जीरो होगा, स्लोप ऑफ 90 डिग्री आपका क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, चार पॉइंट्स लिख लें पहले, ठीक है, अब स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, यानी कि आपको स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन coordinates of lines are given, when coordinates of lines are given, जब ये coordinates given होंगे, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यानी कि मैं अगर स्लोप किसी लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं, ये कोई लाइन का स्लोप निकाल रहा, मेरे पास क्या है, केवल इसके coordinates given है, ठीक है, x1 y1 x2 y2, मेरे को इसका केवल गिवन है और इसका स्लोप मेरे को निकालना है, ठीक है, तो ये होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी सिंपल है, आपको बताऊंगा, मैं समझाऊंगा इसको, अगर समझाना है कल इसमें हम संवाद भी करेंगे आया कैसे, तो स्लोप ऑफ पी क्यू जो आपका क्या हो जाएगा, y2 - y1 / x2 - x, एक फॉर्मूला हो जाता है, ये कल आया कैसे इस पर हम चर्चा करेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल इसमें देखेंगे कि ये आपका डिराइव आता है कैसे, फिलहाल आपको एक फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ये स्लोप कब का है, देखो जब तो आपको थीटा दिया तब तो एम टेन थीटा से निकाल दो, है ना, जब आपको थीटा नहीं गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हैवी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव